हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी किसी भी वेबसाइट में आसानी से कॉल बटन लगा सकते हैं। मैं हूं सुमित शर्मा फ्रॉम शुभा डिजिटल। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉल बटन लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि प्लगइन के सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद ऐड न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे जो है आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक प्लगइन डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है ऐड प्लगइन और आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, एक यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यदि आपके पास कोई प्लगइन पहले से है तो आप उसे अपलोड का यूज़ करके उस प्लगइन को अपलोड कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सर्च क्या करना है, कॉल बटन, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट में कॉल बटन लगाना है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे कॉल बटन। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे प्लगइन जो है ओपन होकर के आ जाएंगे। तो हमें जैसी कॉल बटन चाहिए, जिस चीज़ का हमें यूज करना है, उस प्रकार से हम कोई एक प्लगइन यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे हम जो है यूज करेंगे कॉल नाउ बटन का। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉल नाउ बटन को डाउनलोड कर लेते हैं एंड इसे फिर एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद अब इसमें हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पर कॉल नाउ बटन का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर माई बटन पर आप क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद आपको बटन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे इसे आप एक्टिव कर लीजिए। जब आप इस चीज़ को एक्टिव करेंगे तभी बटन जो है आपके साइट में शो होंगी, उसके पहले शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बटन टाइप के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किस टाइप की बटन चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन बटन चाहिए, ईमेल बटन चाहिए, टेक्स्ट बटन, व्हाट्सएप, मैसेंजर, सिग्नल, टेलीग्राम लिंक, गूगल मैप, जिस टाइप का आपको चाहिए यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो फ़ोन की बटन चाहिए तो यहाँ से हम फ़ोन ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्या करना कि यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पर एक हम रैंडम फ़ोन नंबर डाल दिए हैं फ्रेंड्स, तो आपको जो फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है आप वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद बटन टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई टेक्स्ट डालना है, जैसे कि कॉल बटन डालना है। ठीक है, कॉल बटन डाल दें या फिर आप इसे ऐसे छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो इसे यहाँ पर हम सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके प्रेजेंटेशन पर हम चलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बटन कलर का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर चाहिए फ़ोन बटन के लिए। उसके बाद आइकन कलर कैसा चाहिए वैसा यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पोजीशन कैसा होना चाहिए बटन का, राइट कॉर्नर चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, सेंटर में चाहिए या फिर फुल बॉटम में चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो जैसा सिलेक्ट है वैसे ही रखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि लिमिट अपीयरेंस, तो यहाँ से आप दिखने के लिए कहाँ पर आप इसे दिखाना चाहते हैं, कहाँ पर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, क्या क्या शो कराना चाहते हैं, यहाँ से आप वो चीज़ डाल के कर सकते हैं। और जहाँ पर आप शो नहीं करना चाहते वहाँ पर इसे हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि शो बटन ऑन फ्रंट पेज, जो हमारा होम पेज है। ठीक है, साइट का जो होम पेज होता है, क्या आप वहाँ पर इस कॉल बटन को शो कराना चाहते हैं या नहीं, वही ऑप्शन यहाँ पर यस आप इसे नो कर देंगे तो शो नहीं करेगा, यस कर देंगे तो शो होगा। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ये प्लगइन है, यह प्लगइन सिर्फ आपके फ़ोन व्यू में ही ये कॉल बटन शो करेगा, डेस्कटॉप व्यू में शो नहीं करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लगइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए और इसको देखते हैं कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसे जो है इग्नाटो मोड में हम ओपन कर लेंगे, प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद इसका हम मोबाइल व्यू चेक कर लेंगे। अब उसके बाद हमें इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसका मोबाइल व्यू हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल बटन यहाँ पर हमारा राइट कॉर्नर में शो हो रहा है। ठीक है, प्लॉट में। तो इस प्रकार से आप जो है कॉल बटन आसानी से लगा सकते हैं। यदि आप इसे पूरे बॉटम में करना चाहते हैं तो पूरे बॉटम के लिए प्रेजेंटेशन में हम आएंगे और सीधा यहां से आप जो है इसके फुल बॉटम पर कर दीजिए और सेव चेंजर पर क्लिक कर दीजिए कि फुल बॉटम में नीचे शो होने लगेगा। चलिए साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि यह शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह भी देख लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कॉल बटन यहाँ पर पूरा शो होने लगा। इस प्रकार से जो है आप अपनी वेबसाइट में कॉल बटन लगा सकते हैं। यदि आप डेस्कटॉप व्यू में भी इसे दिखाना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा प्लगइन यूज कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये सिर्फ मोबाइल व्यू में ही शो
होता है, क्योंकि मोस्टली क्या है कॉल बटन हम मोबाइल व्यू में शो कराते हैं, डेस्कटॉप व्यू में शो नहीं कराते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्लगइन सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और जहाँ बार आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।